ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसके दो लड़के हैं। किसान का सपना है कि वो अपने बड़े बेटे को इंस्पेक्टर पुलिस बनाए, लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं कर्ज में डूबे हुए हैं। और इसी सोच में कुछ छोटा लड़का जो है सोचता है कि अगर भैया पुलिस बनेंगे तो कैसे बनेंगे। इसके लिए वो प्रदेश निकलता है ताकि अपने भाई और पिताजी के सपने को पूरा कर सके। और इसके लिए प्रदेश निकलने के बाद वो कमाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वो क्रिमिनल बन जाता है। और क्रिमिनल बनने के बाद काफ़ी तबाही होती है, उसकी जिंदगी में बहुत उछाल आता है। और इसके बाद वो हालात के बारे में बाद में पता चलता है कि हालात ये नहीं, ये हालात पैदा किए गए। और ये हालात किसने पैदा किया है ये आपको क्लाइमेक्स में बताइए। सर आप बताइए अपने बारे में, बताइए आपका नाम और अपने बारे में। आगे आगे थोड़ा कैमरा आवाज तक आप रिकॉर्डिंग। मैं पिंटू प्रेमी, यहाँ पे जितने लोग आए हैं मेरे समाज के लोग हैं,
जहाँ भी हमारे भोजपुरी समाज के लोग बसे हैं, प्रणाम नमस्कार। और ये हमारी मूवी है जाति प्यार के, जिसके मेरा प्रणाम इंस्ट्रक्टर था, हमारे प्रोड्यूसर प्रणाम जी है, अधिकतर मतलब इसमें मतलब नए लोग हैं, मतलब नए हैं, उनको अच्छे तरीके से बहुत जल्द से जल्द हमारे मूवी को आगे बढ़ाने वाले हैं, बहुत जल्द से मतलब उसी से हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। सर, स्टार्टअप के बारे में, आपने स्टार्टअप को सोच कर फिल्म लिखा है या फिर आपकी कहानी आपके दिमाग में पहले से थी? नहीं, ये कहानी मेरे दिमाग में पहले से ही थी। एक्चुअली क्या है, इसमें जो भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं सबके अच्छे प्रभावशाली रोल है, उनके अच्छे काम रहेंगे, और जो भी थोड़ी देर का भी किसी का भी काम है वो अच्छा है, बेहतर काम है, क्योंकि अपना जो भी है 5 मिनट का भी किसी का काम है तो वो अपना छाप छोड़ के जाएंगे। इस ढंग से ये कहानी लिखी हुई है, इसलिए पुराने और नए में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, और काम करने से ज़्यादा काम कराने वाले के ऊपर होता है, वो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि कैसा काम देना है, नया हो या पुराना हो। चलिए, थैंक यू सो मच, हमारी शुभकामनाएं। आइए, मेरा नाम किरण तिवारी है, वैसे तो मैं यूपी से हूँ, यूपी जौनपुर से। मैम कैमरा लुक मैडम, हालांकि इंडस्ट्री में आके मुझे 4 से 5 साल हुआ, मैं प्रॉपर अगर देखा जाए तो एक्ट्रेस बाद में हूँ, पहले मैं एक सिंगर हूँ, और सिंगर होने के साथ साथ अभी मैंने एक्टिंग करना शुरू किया। ये आपकी पहली फिल्म? ये मेरी 6वीं मूवी है। इससे पहले क्या किया? इसके पहले मैंने मेरे बहुत सारे एल्बम्स के गाने हुए हैं, बाकी मैं PF और देख से मैं गाती हूँ, और बाकी बहुत सारी फिल्में जो जो कि 4 से 5 मैंने किया हुआ है, जिसमें 2 ट्रेलर हमारे अभी मार्केट में आ चुके हैं, आप लोग नेट या गूगल पे डाल के देख सकते हैं, और अभी बाकी की 2-3 फिल्में हैं जो कि शूट हुई हैं धीरज ठाकुर की हैं, तो वो सारी रिलीजिंग पे हैं, जब भी वो पता नहीं है। जी, इस फिल्म की क्या कहानी क्या अच्छी लगी जो आपने? एटलीस्ट मैम, इस मूवी में मुझे सेलेक्ट किया गया, बट आई नो मुझे पता नहीं है कि कहानी क्या बता नहीं है, बस ये खुशी की बात ये है कि ये रमेश सर का प्रोजेक्ट है और इन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया है, इसलिए मैंने हाँ बोला है। जी, बट कहानी के बारे में पता नहीं है। जी, बिल्कुल बताइए फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म की बातें क्या थी? पहले तो मेरा नाम रमेश सानी और रहने वाले बनारस के, नए लोग चेहरा दिखाना, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। कहानी के बारे में नहीं कुछ मालूम है, जो भी राइटर साहब दिए हैं वही है, और हमारे बिजनेस सर है। हालांकि देखा जाए कहानी का जहां तक टेस्ट इतना पता है कि लव है, थोड़ा कॉमेडी है, और इस टाइप से मिला के कहानियाँ हैं जो कि आगे आएंगी तो आप लोग को देखने में आएगा, तो अच्छा लगेगा। आप गाना भी गाती हैं, गाते सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, गा सकती हूँ। मेरा नाम रागिनी चौरसिया है और मैं पिंकी जी को बहुत टाइम से जानती हूँ, बहुत सारा काम हमने साथ में किया, सो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम एक अच्छी से फिल्म करने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और इन लोगों ने इतना अच्छा जो कि अभी से उनकी मेकिंग चल रही है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, और
में काम करके भी बहुत अच्छा लगा। मैं ये मानती हूँ जब तक जो हम काम कर नहीं लेते तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो मैं कर चुकी हूँ वो मैं आपको बता दूँ। मैंने सीरियल्स किया हुआ है कंटिन्यू आता था शक्ति पीठ के मेरा बिग मैजिक का शो है, और एक मैंने किया काल उन्होंने रहसा सीजन वन में कर रही थी, सो अभी सीजन टू की बात चल रही है, सो हो सकता है मैं उसमें काम करूँ। बाकी ऐसे सावधान इंडिया वगैरह क्राइम पेट्रोल ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, और भोजपुरी में मैंने फिल्म किया था जय वीरू जो कि मार्च अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, और डेट अभी मुझे कंफर्म नहीं है, सो अभी जैसे कंफर्म होगा वैसे मैं अपनी फेसबुक आईडी रागिनी चौरसिया के नाम से है मेरी आई, सो मैं उस पर बता दूँगी कभी रिलीज़ हो रही है। और अपने बिहार के लोगों में जो पसंद आता है कैची नंबर हो, गाना फास्ट हो, यंग जनरेशन के लोगों को पसंद आए। मेरी कोशिश होगी कि बहुत साफ सुथरी फिल्म हो, बहुत बढ़िया से गाना हो, साफ सुथरा गाना हो, बलगर ना हो, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत विरोधी हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आएगा। सात आठ गाने होंगे मुझे लगता है सर कि आज स्टोरी पर हम दो चार दिन के बाद बैठेंगे, पूरी जानकारी मुझे नहीं है, मगर कातिल प्यार के जो है बहुत ही रोमांच, बहुत ही इसमें मैं लोग म्यूजिक का बहुत स्कोप है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए कि मुझे कुछ बेहतरीन कुछ और बेहतर कराना है। कि मैंने 70-80 फिल्मों में संगीत दिया है, पवन सिंह दिनेश भोजपुरी के जितने स्टार हैं, हिंदी में आपने भी मेरा एक गाना सुना होगा उनके बस में, उनके बस में मैं रोमान है, मगर इतना काम करने के बाद भी एक उम्मीद रहती है कि कुछ और बेहतर करना है, कुछ और नया करना है, समथिंग कुछ एनर्जेटिक बनाना है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी काफ़ी प्यार के फिल्म के ये गाना मैं बनाऊँ, वो मेरे सारे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़े ये फिल्म, यही मेरी मकसद है। सारे मीडिया सबको दिल से नमस्कार करता हूँ। मेरा कहना यह है कि मेरा परिचय मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम विनेश कुमार है, इस फिल्म के हीरो और डायरेक्टर, थोड़ा मोड़ा सिंगिंग भी कर लेते हैं, हाँ सिंगिंग में भी है, कुछ गाने गाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है इस पिक्चर को लेकर मैं काफ़ी खुश है, पेशेंस भी है हमारे, लेकिन क्या नहीं कर सकते, कुछ ऐसी मजबूरी है कि हम बोल नहीं सकते, मीडिया आप लोग श्रोतागण को बता नहीं सकते कि क्या मजबूरी है हमारी, लेकिन बहुत खुश हूँ इस पिक्चर को लेके। ये जो कातिल प्यार के हैं वाकई में स्टोरी इतनी अच्छी है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, शायद मेरे पे कुछ घटना घटी है जिसके लिए जो हमारे राइटर से विचार हुआ कि नहीं ऐसी पिक्चर बनानी चाहिए। जो इसके प्रोड्यूसर हैं रमेश सहानी जी और डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर जो अपने हैं अमन सुलभ जी, कहता है कुछ अच्छा करने का हमने सोचा है, और कहानी बहुत अच्छी है इसमें नो डाउट, और जो फिल्म की है काफ़ी मेहनती है। मुझे अच्छी लगी कि इनका जो भी गाना है वीडियो एल्बम देखते हैं काफ़ी प्यारा लगता है, मुझे एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी लगती है, इतना तो शायद मैं अच्छा नहीं करता हूँ, मैं एज ए हीरो ठीक है। आपने सही पूछा कि उनकी तरफ नहीं कर सकते क्योंकि वो हीरोइन है, हीरोइन का डिमांड है, हीरो को कौन पूछता है, हीरो को बड़े स्टार लोग पूछे जाते हैं, छोटे लोग ठीक है कोशिश कर रहे हैं, स्टार तो कोई बन के नहीं आता, यही चाहिए बनना है सबको। भोजपुरी श्रोता भी हैं जिनके देखी लोगी ये कहानी हमारा पर बांटे, लेकिन अमेजोन घटना बांटे कुछ हमारे और हमारे दोस्त के साथ में घटना बांटे, लेकिन ना हमें कि अपन उनका खुद के जीवन से ना लेकिन बल्कि एक पिक्चर का दिख बांटे, और मैं सब कुछ मैं एक्शन ड्रामा रोमांस हर चीज़ लोग सबके देखे के मिले। पिक्चर में सबसे बड़ी बात थी कि वो स्टार तो बना, अभी जौन समय थी हमारे ये गाने जब आया थी, तो नया आदमी होने के बावजूद भी हमें कोशिश करें जैसे हीरो ना है डायरेक्टर कैसे कि कोशिश करें कि हमारा पिक्चर बहुत अच्छा बने, और रोगा लोगों के काफ़ी पसंद आई, और रोगा लोगों ने खूब ढेर सारा प्यार दें,
और सबसे बड़ी बात ये पिक्चर में जो हमारे खास मित्र है पिंटू जी बानी वहाँ के, और जैसे भी हमारे काफ़ी लोग बा हम जगह सब नाम ताली हुई, रमेश जी हैं, दिनेश जी हैं, सूरज हैं, मतलब तमाम हैं, रिंकेश शर्मा है जो हमारे फ्रेंड है, विलन है इस फिल्म में, काफ़ी लोग सहयोग दिए हैं इस फिल्म के लिए। और ये पिक्चर का ऐसा कोई हम बजट क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि ये फिल्म हम सिनेमा तक पहुँचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। विदाउट स्टार के इसके पहले हम लोग ने एक फिल्म किए थे कमाल प्लस गप्पा, उसका हीरो खुद है, उसके विलन भी आए हैं, और उसके डायरेक्टर तो हमारे बीच में नहीं है विजय के सोलंकी, लेकिन उस फिल्म में समझ लीजिए डायरेक्टर है ही नहीं। डायरेक्टर का काम होता है कि एंड तक उसका भूमिका निभाए, लेकिन हमारे साथ एक घटना हुई कि पिक्चर आधे अधूरे में छूट गई, यानी पोस्ट प्रोडक्शन से वो पिक्चर को लेके जाने की जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर, तो काफ़ी परेशानी हुई। और डायरेक्टर में आने की मेरा मजा वही है, हम नहीं आते, हमको शौक नहीं है डायरेक्टर में, आप सबसे हम बोल रहे हैं कि हमको कोई शौक नहीं है कि हमको डायरेक्टर बनना, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं, ये डायरेक्टर चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर को डुबा दे रहे हैं, हम लोग डूब गए, हम ये काम नहीं करने देंगे, और हम हमसे जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें, जो हम दूसरे को मेहनत करते हैं, दूसरे को बदौलत जाते हैं, वो हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसके लिए मैं खुद एज एक एक्टर होने के बावजूद मैं बोला कि नहीं कि इस पिक्चर का मैं खुद डायरेक्टर दूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, भरोसा इसलिए नहीं है कि प्रोड्यूसर बेचारा कहाँ से, हम लोग कहाँ कहाँ से दो रुपये ला के हम लोग देते हैं, बताइए उसका अगर पैसे का मूवी नहीं जाती है, बेचारा डब्बे में चली जाती है, वो सब नहीं चाहेंगे। एक हीरोइन का खुद निलंबित निभा रही है, और उसके साथ साथ ये खुद अच्छी सिंगर है, आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बाकी अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो बस देखते हैं और जनता जनार्दन का कैसा लग रहा है हमारी पूरी, क्योंकि जो एक्टिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए इसका लोकेशन हम पूरा बिहार है, लोकेशन आउटडोर वन सेट, और ये जाएगी अपने प्लॉट पे, पिक्चर जा रही है अप्रैल या मई में निकले, अप्रैल मई में जाने की पूरी तैयारी चल रही है, अभी देखते हैं माता रानी क्या संगीत देती है, कोशिश तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं हम बोलने वाले भी सुनी है। और बोलिए मैम वही भी गा दो, जोर गा दो, हिला दो, चलिए ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं है, पर अपने बड़े भाई का सपोर्ट में है, बड़े भाई सपोर्ट करते हैं हमारे, और घर वाले को अपना सपोर्ट नहीं रहता है, बट पिंटू जी ने हमको मिले एक मीटिंग मिले बातचीत को बोले मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे आप बताइए सर, आप पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम आलोक शर्मानी यूपी के हैं, और संगीत के जो है दिलीप भोजपुरी, नमस्कार, और मेरा हम लोगों का आ रहा है मेरा करेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का, और इसमें सब लोग नए हैं और नए के साथ करने में स्विच ऑफ कर देना, स्विच ऑफ, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैंने दोनों
चार फिल्मों में भी काम किया हुआ है। सामने कैमरा, सामने कैमरा रुक सर। इससे मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया हुआ है, भोजपुरी फिल्मों में, मराठी फिल्मों में, अजर बहुत सारे एल्बम में भी मैंने काम किया हुआ है। एक फिल्म में मैंने काम किया था उससे पहले जिसका नाम था कमाल प्लस दुर्गम, उसमें मैंने विलन का काम किया हुआ है। जो स्क्रीन में जो आपको हीरो दिखाई दे रहे हैं वो भी उस फिल्म में हीरो थे, हिंदी तो भी लगते हैं। और इस फिल्म के बाद अभी मुझे एक ऑफर मिला है, जो इस फिल्म का नाम है कातिल प्यार के, इसमें भी मैं विलन का ही रोल कर रहा हूँ। और मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि ये फिल्म बन जाने के बाद आप लोग जरूर एक बार इसको देखने के लिए आइएगा। हम लोग अपनी पूरी कोशिश लगा के इस फिल्म को बना रहे हैं, जोर शोर से बना रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत ही मस्त है, आप लोग जरूर एक बार आइएगा। बाकी क्या हमारे आपको ये बताइए सर। नमस्कार, मेरा इस बार और बहुत अच्छा है। हमारे जो डायरेक्टर है बिजनेस सर, वो हमारे गुरु है, उसने अच्छी बात है, बहुत अच्छा दोस्त बहुत अच्छे से। थैंक यू, मैं सारे इसमें दोस्त करूँगा। थैंक यू सर।